नमस्कार, मेरा नाम हरिओम सिंह राजपूत है। मेरी शैक्षणिक योग्यता BSc गणित, MA हिंदी प्लस 2 इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन है। मेरे जनपद का इतिहास लगभग 400 वर्ष पुराना है। यह नर्मदापुरम संभाग का एक छोटा सा जिला है। यहाँ जोगा का किला, तेली की सराय, दुधेश्वर मंदिर, हिंडोलनाथ का मंदिर और बीवर की गुफा देखने लायक पर्यटन स्थल है। जैसे मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहलाता है, उसी प्रकार से हरदा मध्य प्रदेश की हृदय नगरी कहलाती है। हमारा गांव उचान नर्मदांचल का पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर चारों जाति वर्ग के लोग निवास करते हैं। मुख्य व्यवसाय कृषि और कृषि मजदूरी साथ में वनों पर निर्भर करते हैं। मैं मध्य प्रदेश स्टेट के हरदा जिले के हंडिया तहसील अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला उचान में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। हमारा विद्यालय नेशनल हाईवे NH 59 हंडिया से लगभग 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। हमारे गांव का नाम उच्चेश्वर ऋषि की तपोभूमि होने के कारण उचान पड़ा है। बड़े सौभाग्य की बात यह है कि मुझे अपने ही गांव में अध्यापन सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सन 2002 में मैंने अपने गांव में EGS गुरुजी के रूप में EGS विद्यालय खोला था और पहले गुरुजी, उसके बाद में संविदा शिक्षक, सहायक अध्यापक, उसके पश्चात में मैं प्राथमिक शिक्षक के रूप में यहां पर कार्यरत हूं। इसी क्रम में मुझे इनोवेटिव अल्टरनेट एकेडमिक कार्यक्रम से जोड़ा गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं HDFC और अरविंदो सोसाइटी के आदरणीय संचालक महोदय व स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि वे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं। नव निहालों के भविष्य निर्माण और सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों के साथ कार्य कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अभी तक शिक्षण में लगभग 17 मॉड्यूल वेबिनार के रूप में हो चुके हैं। इस IPASE कार्यक्रम से के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे पहली सीख है कि बच्चों को बच्चों की नज़र से देखना चाहिए, उनकी आर्थिक दशा, सामाजिक दशा और परिवेश की दशा को परखते हुए मित्रवत व्यवहार करके बच्चों को सिखाने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी सीख यह है कि बच्चे अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, अतः बाल मनोभावों को जानने के लिए हमें उनके साथ संवेदनशीलता, सहानुभूति, सामानुभूति और उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, तभी हम उनको जान पाएंगे। शिक्षण के तरीके में परिवर्तन करना भी बहुत जरूरी है। चाक बात पद्धति से हटकर यदि हम परिवेश से जोड़ते हुए खेल खिलौने, TLM और ICT के प्रयोग के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं तो इस प्रकार से सिखाया गया बहुत अधिक प्रभावी और लंबे समय तक स्थायी समझ प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि इस प्रकार से सिखाने में बच्चों के मन मस्तिष्क के साथ में इंद्रियां जैसे हाथ, कान और आंख एक से अधिक सक्रिय होती है। इसी कारण से इस प्रकार से सिखाया गया अधिक स्थायी होता है। अगली सीख है कि अपने अध्यापन को अधिक प्रभावी और संप्रेषणशील बनाने के लिए शिक्षक को पाठ विशेष का पूर्व में ही अध्ययन कर कार्य योजना बना लेना चाहिए। इस प्रकार से पाठ की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए कौन कौन सी TLM की जरूरत होगी बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहयोगी होते हैं। अगली सीख है कि शिक्षण कार्य करने के दौरान शिक्षक बच्चों को पाठ के साथ सहभागी अवश्य बनाए ताकि बीच बीच में उनका आकलन भी होता रहे। कमजोर बच्चों को चिन्हित करके उन्हें अलग से कार्य योजना बनाकर सिखाने का प्रयास भी करना चाहिए। IPASE प्रोग्राम से जुड़े हुए नवाचारी शिक्षक बंधुओं और उनका नवाचारी कौशल, उनका गहन अनुभव को जानने का भी हमें लाभ मिलता है। अंत में मैं निष्कर्ष के रूप में कहना चाहूँगा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षिक गतिविधि के साथ साथ सहशैक्षिक और सामाजिक गुणों का विकास करना भी जरूरी होता है। हमारा विद्यालय भी स्वस्थ, शिक्षित और सुसंस्कारित नागरिकों की नींव तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम अध्ययन अध्यापन के साथ साथ अन्य पाठ सहगामी क्रियाएं और शालेय सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं। बालिका शिक्षा, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, पॉलिथीन के दुष्प्रभाव, नर्मदा संरक्षण आदि विषयों पर हमारे बच्चों ने रोल प्ले और नाटकीय अभिनय करके गुणों की अभिवृद्धि की है। हमारा विद्यालय शांति निकेतन की भांति गाँव की दोनों बसाहटों से थोड़ी दूर एकांत में प्राकृतिक वातावरण में स्थित है, जहाँ पर बच्चे प्राकृतिक वातावरण में सीखते हैं। हमारे विद्यालय को रोल मॉडल स्कूल के रूप में चयन किया जा सकता है। इसके लिए अरविंदो सोसाइटी व HDFC को बहुत बहुत धन्यवाद।